दोस्तों आपसे मैं आज गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया तो आपका बैंक अकाउंट हिंदुस्तान के अंदर किसी भी बैंक में हो, आप अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर लेंगे और साथ ही साथ आप अपने अकाउंट का स्टेटमेंट भी पता कर लेंगे। और इसके लिए आपको कोई भी कस्टमर आईडी की जरूरत नहीं है, बस आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए। दोस्तों सबसे अच्छी बात तो यह है, आपका बैंक अकाउंट एक से अधिक कितनी भी बैंक में हो, जैसे मेरा बैंक अकाउंट लगभग 5 बैंक में मेरे अकाउंट खुले हुए हैं, क्योंकि दोस्तों पहले मैं कंपनियों में काम करता था तो अलग अलग कंपनी ने मेरा अकाउंट खोल दिया। तो जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीके से आप सभी बैंक का बैलेंस चेक कर लेंगे और सभी अकाउंट का स्टेटमेंट भी पता कर लेंगे, तो वही सारा का सारा प्रोसेस आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि दोस्तों लाइक करने में कोई भी आपका पैसा खर्च नहीं होता। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। किसी बैंक का बैलेंस चेक करना और उसका स्टेटमेंट डाउनलोड करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके लिए आपको कोई भी कस्टमर आईडी की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, आपका मोबाइल नंबर बस आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक हो, आप यहाँ पर अपने बैंक का बैलेंस भी चेक कर लेंगे और स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है और आपको यहाँ सर्च बार में एक एप्लीकेशन का नाम सर्च करना है, जैसे आपको यहाँ पर सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है ऑल बैंक स्टेटमेंट। दोस्तों आपको यही लिखकर सर्च बार में सर्च करना है और आपको यहाँ पर ये एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है ऑल बैंक पासबुक स्टेटमेंट। दोस्तों आपको इसके लोगों को देख लो, बिल्कुल यही एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, इसके बाद मैंने यहाँ से इसको डाउनलोड पर लगा दिया है। आपको भी यही एप्लीकेशन आपको अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करना है। तो मेरा एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, तो आपको यहाँ ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही है। चलने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से कुछ परमिशन अलाउ करनी होगी, तो मैं यहाँ से अलाउ पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों मैंने केवल यहाँ पर एक परमिशन को अलाउ किया है। परमिशन को अलाउ करने के बाद दोस्तों इस एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से ओपन हो गया है, जिसमें दोस्तों मेरा अकाउंट जिस जिस बैंक के अंदर था उसने सारे के सारे बैंक को यहाँ पर कैप्चर कर लिया है। जैसे आपको सबसे पहले मेरी यहाँ पर HDFC बैंक दिखाई दे रही है, इसके बाद आप इधर साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टेट बैंक दिखाई देगी, इसके बाद मेरी एक और स्टेट बैंक में अकाउंट है जीरो बैलेंस का, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके बाद आपको एक और बैंक दिखाई दे रही है। बैलेंस तो सभी अकाउंट का बैलेंस आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर ही शो करेगा। इसके अलावा अगर आप इनका स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो सिंपल आपको इसी बैंक के आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर बैंक का नाम दिखाई देगा, यहाँ पर बैंक अकाउंट के पिछले 3 डिजिट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, आपको यहाँ पर आपके अकाउंट का बैलेंस दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इसका पूरा स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, ये मार्च 2023 का है। इसके बाद हम नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर फरवरी 2023 का दिखाई दे रहा है, इसके बाद और नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर जनवरी और नवंबर 2022 तक दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से दोस्तों आप यहां पर अपना स्टेटमेंट देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप ये देखें कि ये पैसे हमने किसको भेजे हैं या हमारे अकाउंट में कहां से पैसे आए, सिंपल आपको उस पर एक बार क्लिक करना है, उसकी पूरी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी कि ये ट्रांजैक्शन हमने किसके अकाउंट में किया है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों ये तो एक अकाउंट की डिटेल है, अगर आपका अकाउंट एक से अधिक बैंक में तो आप यहाँ से मुझे ढोल बजाना है। थोड़ी ऐड की प्रॉब्लम है, ऐड आता जब हम वापस जाते हैं, तो मैं यहाँ पे वापस आ चुका हूँ। वापस आने के बाद दोस्तों अगर आपका अकाउंट एक से अधिक बैंक में तो आप यहाँ पे फिर दोबारा से उसी बैंक पे क्लिक करके उसका भी यहाँ पे स्टेटमेंट देख सकते हैं। बिल्कुल प्रोसेस सेम है ये, दोस्तों बिल्कुल जेन्युइन तरीका है। आप इसी तरीके से किसी भी बैंक का आपका मोबाइल नंबर जिस जिस बैंक में लिंक होगा वो सारी की सारी बैंक आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल या मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलो तो चलते हैं फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।